Hello you all my lovely buddies and a hearty welcome to you all on this amazing platform of DoubtNut. I hope that you all are very well.

सिंबोलिज्म है अगर वो भी बताऊंगी पर्सोनिफिकेशन है यानी जो भी सब कुछ है सब बताया जाएगा जस्ट आपको लाइक करना है शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है लेट्स गेट स्टार्टेड सो देखिए ये जो uh, अगर मैं यहां पे बताती हूँ आपको तो ये है डस्ट ऑफ स्नो अब डस्ट ऑफ स्नो के लिए मैंने ऐसा बैकग्राउंड क्यों लिया आपने जरूर से सोचा होगा कि मैम दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू हैव बिकॉज क्रोध पे आपको एक एक दे रहा है और साथ साथ ही में यहाँ पे आपको डस्ट डस्टी सा ट्री दिखाई दे रहा है अभी स्नो ही ट्री है वो है ना अब वो डस्ट का क्या मतलब है सबसे पहले वर्ड्स पे जाओ डस्ट की अगर हम बात करें तो हम डस्ट क्या बोलते हैं धूल मिट्टी के कण बट यहाँ पे एक्चुअली वो पार्टिकल्स से रिलेटेड है कि कहीं से हम गुजर रहे हैं और वो डस्ट आपके ऊपर आ गई है डस्ट कैन बी नॉट ओनली ऑफ पार्टिकल्स बट कैन बी ऑफ स्नो एज वेल राइट चलिए अब आ गए हैं हम आगे अबाउट दी ऑथर के बारे में यानी जो हमारे पोएट है देखो पोएट कितने स्वीट स्वीट से लग रहे तुम्हारे लिए मैं <coughs> सॉरी कहां कहा से नहीं ढूंढ के लाती हूं

He was an American poet. पोएट uh, रॉन्ड की हम बात करते हैं तो वो कौन थे अगर हम बात करते हैं सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट Bond भी आपके बहुत ही फेमस है और उनकी बहुत सारी आपके आ, जब आप छोटे थे तब आपने बहुत सारी और अभी भी लेटेस्ट में भी उनकी काफी सारी अच्छी अच्छी बुक्स जो आई है दैट्स वाई मैं अभी पढ़ रही थी उनकी कोई बुक तो इसलिए उन्होंने नाम बता दिया आपको भी जब टाइम मिले डेफिनेटली रस्किन बॉन्ड की बुक्स को पढ़िएगा यहाँ पे है हमारे पास में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो की है अमेरिकन पोएट साथ ही साथ में ये किसके लिए जाने जाते हैं नेचर की लिखने के लिए चाहे आप इनकी डस्ट ऑफ स्नो की बात करें चाहे आप फायर एंड आइस की बात करें दोनों में ही नेचर को सिंबलाइज़ करते हुए उन्होंने एक पोम लिखी है तो इसलिए ये नेचर पोएट याद रखना नेक्स्ट वी हैव इस पोएट्रीज जो है उनमें इनकी जो मोस्ट लाइक हाईलाइटेड एंड फेमस है उसका नाम है न्यू हेम्सफेयर तो ये हो गया हमारा अबाउट द द ऑथर ऑथर एंड नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट मूविंग अहेड विद पोम देखो पोम कितनी छोटी सी है तुम जैसे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बडीज के लिए क्या है छोटी सी पोम है तो छोटी सी पोम है लेकिन उतना ही डीप मीनिंग इसके है सो डेफिनेटली यू जस्ट डोंट गो फॉर द लिटरल वर्ड्स जो लिखा है सिर्फ उन शब्दों पर ना जाते हुए उनका डीप मीनिंग भी समझने की कोशिश करिएगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी दस्ट आपको पता चल जाएगा यहाँ क्रो आ रहा है यहाँ स्नो आ रहा है दैट means ये इसके सिमिलर है सिमिलर इसकी राइमिंग आ रही है तो हम इसको क्या कह देंगे की ये ए है तो इसको भी मैंने कह दिया कि जब ये ए है तो दिस इज ऑल्सो ए देन वी हैव शुप डाउन ऑन मी मी एंड देन हियर ट्री सो अगेन ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं राइम कर रहे हैं देट मीन इफ आई से ये बी है तो ये भी बी हो गया और आपका राइमिंग स्किल देखो खल्लास एक बार में हो जाता है बस आपके अंदर वो जुनून और जज्बा होना चाहिए कि हमें करना है बस इसी का यहाँ पे सेम uh, आप सब सक देख सकते हैं सो द द द वे वे ऑफ ऑफ अ अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री पे सबसे पहले अगर मैं बात करू तो देर आर टू सिंबलाइज क्या चीज है एक तो क्रो है आप देख सकते हैं देर इज अ क्रो एंड देर इज वन मोर थिंग एंड दैट इज देक ट्री ओके अब ये दोनों चीजों के बारे में बताती हूँ आप लोगों ने ना कहीं कहीं सुना होगा काफी चीजों को हमने ना नेगेटिव मतलब बताना नहीं चाहिए लेकिन हमने उनको क्या कर दिया नेगेटिव कैटेगरी में डाल दिया कि ये अगर चीज है तो ये नेगेटिव है चाहे हम इंसानों की भी बात करें कुछ ऐसे काइंड ऑफ पर्सन अगर हमारे सामने से गुजर जाते हैं तो जो पुराने सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं या जो ऑर्थोडॉक्स लाइक माइंड वाले हैं वो बोल देते हैं नहीं हम आगे नहीं जाएंगे वो यहाँ से गुजरा या वो वो यहाँ से गुजरी एंड दैट्स वे सिमिलरली हम एनिमल्स को लेकर भी कुछ सुपरस्टिशियंस रखते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी के बाद

Uh, जो सोच है उस थॉट को लेकर के चलो वो यहाँ पे ध्यान दो सो हियर इट इज अबाउट सिंबलाइजिंग क्रो एंड हैमलॉक ट्री दो सिंबल्स हैं मैं वापस आपको यहाँ पे रिटर्न पार्ट में भी बताऊंगी देन व्हाट इज हियर तो यहाँ पे लिखा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी एक क्रो है क्रो क्या क्या हुआ एक हेमलॉक ट्री है उस हेमलॉग ट्री के नीचे से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो जा रहे थे ठीक है एंड ही वाज इन अ बैड मूड हम समझ सकते हैं कि उसके पहले शायद उनका मूड जो ना खराब था तो वो ना वैसे ही दुखी दुखी से मेलनकली से मूड में वो वहां से नीचे से गुजर रहे थे अब वो हेमलॉग ट्री के नीचे से भी गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा देखो अभी ये और तो गंदा हुआ ही था ये और एक और मैंने चीज है जो गलत देख लिए उसके ऊपर ब्लैक क्रो देख लिया तो क्रो भी उनको लगता है कि ये सिंबलाइज करता है नेगेटिव का वो वहां से जा रहे होते चुपचाप के अब चलो जो गंदा हो रहा है हो रहा है हो रहा है मेरे

तो ही बैड मूड लेकिन जैसे ही स्नो जो उनके ऊपर गिरी मतलब अपने एक जोन से बाहर आ गए और जैसे ही उस जोन से वो बाहर आ गए

देखो हर नेगेटिविटी नहीं होती है पॉजिटिविटी हुई है उनके साथ में तो और वो पॉजिटिविटी क्या थी पॉजिटिविटी थी इनके लिए कि इन, इनका पूरा दिन जो है वो खराब होते होते बच गया रोएड इज रिटर्न सो And saved some part of a day I had आई मतलब कुछ दिन एक दिन का भाग है उस पार्ट में से मैंने एक दिन का थोड़ा पार्ट खराब कर दिया था लेकिन अब यहाँ पे ये बात लिखी है, Robert Frost ने बहुत से पार्ट में उन्होंने ये सब कुछ अच्छे से समझा दिया आई कैन से उन्होंने किस तरीके से सिम्बलाइज करते हुए आपके सामने रखा है सो दैट यू ऑल्सो कैन लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स देखो हर कोई हर अपने फेज में से जा रहा होता है राइट right? तो हम भी क्या करते हैं जब हम खराब फेज में होते हैं ना तो नेगेटिव बोलते हैं, ना, साड़ सौंग, साड़ सौंग हैं उसके बीच में अगर एड आ जाए कोई धड़कते भड़कते गाने का तो हमारा मूड कैसा अप हो जाता है बस वैसे ही आप उस इस चीज को लो कि सिंबलिज्म का यूज कहाँ होता है परसोनिफिकेशन का यूज कहा होता है लेट्स नाउ आई टेल यू अबाउट दिस जैसे मैंने बता दिया है क्रो है और हेमलॉक है इन दो को रिप्रेजेंट किससे किया है सौरों और इविलनेस के साथ में नेगेटिव चीजें हैं वो क्या है सौर दुख के और इविल दोनों के बारे में बताया गया जो डस्ट ऑफ स्नो है उसे किस के थ्रू बताया है जॉय एंड चेयरफुलनेस यानी दो सिंपल यहां पे आपके लिए यूज किए गए हैं तो पूछ लिया जाए क्वेश्चन आया क्वेश्चन देखो ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगी मैं मैं ऐसे लिख लिख के क्वेश्चन नहीं लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए दैट वॉट सिंबलाइज दिस एंड वॉट सिंबलाइज दैट वो सब जगह पड़े हैं

दो तीन लाइन एक्स्ट्रा ऐड की और आपको जितनी नॉलेज थी वो सारी नॉलेज आपने वहां पे बता दी कि ये स्नो से ली गई है उनके ऑथर का नाम क्या है और उनकी फेमस पोएट्री कौन सी है जब ये तीन लिख दिया तो फिसल गया हमारा एग्जामिनर हमारे लिए और वो कहीं नंबर नहीं काटेगा का। लेकिन हाँ ये आंसर भी लिखना पूरा जरूरी है तो ये भी पूरा आंसर लिखना है अब मैंने जैसे राइमिंग स्कीम आपको बता दी ए बी ए बी बताने की जरूरत ही नहीं अब तो आपको जीवन पर्यंत याद रहने वाला है दैट व्हाट इज ए ए बी बी इज अब ये पोम क्या बताती है ये बताती है ऑप्टिमिज्म को और

तुम भी जो हम चाहते हैं वो कर रहे हो नहीं किया है अभी तक तो डेफिनेटली लाइक like करना है कमेंट करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि कि क्या ये इतनी सी फड़ा -फड़ से हुई नहीं हुई नहीं तो देखो हेमलॉक को बताया है एक पॉइजनस प्लांट है जिसे हम ट्री मतलब कह सकते हैं इसके कुछ व्हाइट फ्लावर्स होते हैं और रेड वर्ड जो मैंने अंडरलाइन भी किया था उसका मीनिंग क्या है हेल्ड इन रिग्रेट मतलब पछतावा होना रिग्रेट का मतलब क्या होता है पछतावा होना किसी चीज का आपने गिल्ट ट्रिप पे चले जाना वो बात कहते हैं तो यहाँ पे अब लास्टली आता है क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम यही क्वेश्चन बना दिया मैंने तुम्हारा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन दैट व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोम द ऑफ स्नो अगर पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लिखना है वी शुड नॉट लूज होप इन लाइफ एंड देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप और अपॉर्चुनिटी दैट वेट्स फॉर अस कि हमें कभी भी लाइफ में होप नहीं छोड़नी चाहिए निराशावादी नहीं होना है हमेशा आशा रखनी है होप रखनी है

मैंने आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वेरी छोटे छोटो से आंसर लाइक दिस छोटे छोटे से है आप लोगों के जैसे आंसर्स आप बताएंगे मुझे एंड डेफिनेटली डू टेल मी हाउ यू लाइक द सेशन इन द कमेंट सेक्शन और नेक्स्ट के लिए आपको क्या चाहिए वो भी बताइएगा टिल देन तड़ास बाय